है वो कहता है कि आप अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है आपका कामयाब नहीं होता तो वो डीसी डिबार हो जाते हैं। दूसरा, 2 बजे इलेक्शन स्टार्ट होता है, 6 बजे तक ही अंदर नहीं आए, और अगर अंदर नहीं आए तो बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? उसमें ज्यादातर तो जो है नॉन कांग्रेस मेंबर थे। जी राणा साहब, इकबाल भाई आप, मुझे हंसी आ रही है। अब मैं क्या कहूँ, हैदर भाई मेरे छोटे हैं, ये मेरा लवली है, इसमें मैं नहीं कहता इसको कुछ, लेकिन ये गलत बात हो रही है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये हैदर साहब ने मेरे ख्याल वो काफी चीजों को सही तरीके से पढ़ा नहीं है। अच्छा, तो मैं सही तरीके से बता देता हूँ कि ये जो इन्होंने अभी कही है मुझे तोहिन अदालत, तो मुझे ये दिखा दो, मैंने कहा अदालत की तोहिन कर दी है, ये दिखाते क्यों नहीं है? बाकी तो सारे पेपर पर लगाते हैं, ये इसके लिए लगाते हैं। और दूसरा ये भी बताते हैं कि इनको कहां कोर्ट ने लिख के दे दिया है, जब मुझे 25 अक्टूबर में, मैं तो सारी जगह दुनिया में बोल रहा हूँ भाई 25 अक्टूबर को मुझे यहाँ पे इलेक्ट किया गया, इसमें वोट मुझे पड़े, ये वोट नहीं मुझे पड़े। लेकिन कहते हैं वो इजलास है, वो मुतनाजा इजलास था, कॉन्ट्रोवर्शियल था। वो तो फिर जो मर्जी कहते हैं, मैं आज कह रहा हूँ कौमी असेंबली का इजलास गलत हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ना कौमी असेंबली का इजलास उससे गलत थोड़ी हो जाएगा। अच्छा इकबाल भाई, नोटिफिकेशन होता है इलेक्शन के बाद, वो नोटिफिकेशन दिखाएं कोई। राणा ये कह रहे हैं नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ पाकिस्तान ओलंपिक का, स्पोर्ट बोर्ड का या FIH का। मैं आप कैसे दिखा सकता हूँ, यहाँ मैं लहरा नहीं सकता, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो मैंने उसका वो लेटर भी जारी किए हैं जिससे हमने कंफर्मेशन दी है। ठीक, अच्छा राणा देख लिया होगा। ठीक, ये बताएं राणा कि अब इस तरह की सूरत हाल में FIH के सदर जो है तैयब इकराम साहब हैं, और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के DG साहब छुट्टियों पे गए हुए हैं, शुएब खोसा वो नहीं है मौजूद, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के पिछले सदर तो जा चुके हैं जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन, नए सदर आ गए, तो क्या इस सूरत हाल में किस तरीके से इस मामले को निपटा जाएगा, आपकी क्या राय है? फिर हैदर से पूछता हूँ। देखिए इकबाल भाई, सबसे पहले हैदर को बिल्कुल क्लियर पता है, ये छोटा भाई है, इसको सारी समझ है कि जिस इजलास को हमने किया है उसमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का नुमाइंदा आया, मैं नाम ले रहा हूँ उसका, रिजवान रिजी रोइंग का, और ज्वाइंट सेक्रेटरी या एसोसिएट सेक्रेटरी है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का राणा नसरुल्ला साहब वहां वो नुमाइंदे आए, हमने तो नुमाइंदे बुला के इनके इनके इजलास में नहीं आए नुमाइंदे, ये तो कहते हैं कि दो इदारों के थे, बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए सर। हैदर आप बताएं। इकबाल भाई, सबसे पहला तो सवाल यह है कि अगर राणा साहब अपने आप को कहते हैं तो कोई नोटिफिकेशन दिखाई, वो कह रहे हैं है मेरे पास नुमाइंदों तो हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, नुमाइंदा जो है पाकिस्तान ओलंपिक का जिस तरह आया है, स्पोर्ट बोर्ड का जिस तरह आया है, वो इनको भी पता है किस तरह बुलाया गया में आया था? हम नहीं, हमारे पास नहीं आया, इसलिए कि हमने उनको दिया था लेटर दिया था लेकिन वो नहीं आ सका। और दूसरा ये कि अभी 10 दिन पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए पाकिस्तान ओलंपिक के, उसके जो मीटिंग भी मैंने अटेंड की है और उसके बाद उसको वोट भी दिया है, तो पाकिस्तान ओलंपिक और जो FIH में जो टीमें गई हैं अभी 5A साइड में और उसमें सारी कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी है। तो राणा कॉरेस्पॉन्डेंस तो इनकी है, तो फिर इसका मतलब है वो इनको तस्लीम करते हैं। आप इकबाल भाई, अगर बाइजन आप हमारा देख ले तो हमने तो साथ दिया हुआ है कि हमारा रिकॉर्ड चोरी हो गया, हमारी टीम में हैक हो गई है, हमने तो बड़ा क्लियर ये इसकी अपनी FIR करवाई है जनाब, ये हमारा चोरी हो गया हुआ है, इसको हमने रिकवर करवाना है। तो आप रिकॉर्ड को तो छोड़े, आपने उन लोगों को इंटीमेट किया पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को, FIH को, मैं नाम ले रहा हूं, हैं नहीं, 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 FIH को बताया, वो फिर इसको क्यों बुला रहे हैं इनको? इकबाल भाई रिकॉर्ड अगर चोरी हो गया तो 3 जगह तो मौजूद होगा। हाँ मेरी बात तो सुन लेना, किसी ने नहीं बुलाया, मैं आपको 21 मार्च का कह रहा हूँ, 21 मार्च को वहाँ पे राणा नसरुल्ला साहब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से आए। नहीं नहीं पाकिस्तान मैंने मान लिया, ये हैदर ने भी बोल दिया हमारे नहीं, लेकिन ये बताएं कि जिस तरह से FIH का जो इवेंट है उसमें जो टीम भेज रहे हैं वो इन्होंने भेजी, वो आप लोगों ने तो मैंने कल कंफर्मेशन दी है इकबाल भाई, कल तो फिर रिसेंटली अभी क्या, तो मैं लेटर आप दिखा, अगर इनको एक्सेप्ट नहीं करते वो तो इनको कैसे कंफर्मेशन देते हो अजलान शाह की? मैंने अजलान शाह की कंफर्मेशन दी है, मैंने लाइन जो नेशन कप हो रहा है पोलैंड में मैंने उसकी दी है, उन्होंने मुझे उसका रिस्पॉन्ड किया है। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आपको यकीन दिलाऊं कि ये मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं आपके साथ बाहर बैठा नहीं हुआ। हाँ सही है, मैं जहाँ लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा पैसा जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान ऑफ फेडरेशन लेके आएंगे जब प्राइम मिनिस्टर, तो सुने वो तो 2-2.5 करोड़ पे खुद ही वो बैठे हुए हैं, वो तो खर्च ही नहीं करने दे रहे। नहीं, हॉकी पर गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हॉकी के हवाले से बात कर रहे हैं, मामला बड़े नाजुक हैं हॉकी के। हमारे साथ ओलंपियन वसीम फिरोज मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। वसीम, ये जो हैदर कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत के लिए इन्होंने टीम राना कह रहे हैं, रिकॉर्ड गायब हो गया, आप क्या देखते हैं कि इससे हॉकी में कितना लड़कों को नुकसान होगा ना, कि एक दूसरे की लड़ाई में, दो हाथियों की लड़ाई में जो है वो पता चला कि चींटी भी लड़कों का नुकसान है। टीम, आपको पता है क्या हाल हुआ हुआ टीम का, अब टीम बनेगी। चीफ सिलेक्टर कौन है? कलीम भाई है, कलीम मुल्ला। सिलेक्टर तो वही है जो उन्होंने ठोकर साहब ने बनाए थे, पार्टी ने तस्लीम किया उनको चीफ सिलेक्टर। देखिए ना, अब सिलेक्टर तो ये था कि दोबारा बहाल किया, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी की सुनी नहीं गई और टीम चले गई ओलंपिक क्वालिफाई के लिए बन गए थे ना सब कुछ। देखिए ना, वो तो बहुत ही, मैं कहता हूँ गैर मेहरी था। मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो सब कहेंगे जितने मेरे भाई ओलंपियन है, जो राना है या हैदर है, वो गलत 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 है और जिसकी वजह से हमें नुकसान हो गया। अब नुकसान, चार साल बाद आप ओलंपिक खेलेंगे और हॉकी फाइव जो कि मैं ले गया था वो टीम को पूरा बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। राणा मुजाहिद ने आखिरी में मुझसे कहा था, आखिरी मुझसे कहा था कि वसीम भाई ये लेके जाएंगे आप। आपकी जगह कौन गया था? मेरी जगह शकील अब्बास ने कंटिन्यू किया था उसको, और देख लें क्या हाल किया। अच्छा हैदर, अब आप बताएं एक जुमले में कि क्या इसका हल क्या है इसका? इकबाल भाई, इसका वाकई हॉकी को तो बहुत डैमेज हो रहा है और बहुत नुकसान है। आज तक कभी नहीं हुआ जब से हॉकी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुआ। और दूसरा इकबाल भाई, आज कुआलालंपुर से, मलेशिया से ईमेल आ गई है और उन्होंने बहुत सॉरी किया है कि हमने जो इन्होंने एक इल्लीगल काम किया था, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम करके उनको डायरेक्टली अपनी तरफ मुखातिब कर रहे थे, आज उनका सॉरी का ईमेल आ गया। तो ईमेल आ गया, इसका मतलब वो आपको तस्लीम करते हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं राणा से पूछूं। बिल्कुल, उसके बाद जो है हमने उनको सारी आज्ञा कर दिया है सारी चीज़ों का। और दूसरा, अभी नईम अख्तर साहब का जो वहाँ पर हाईकोर्ट में जो एक चैलेंज किया इनकी मीटिंग को, वो भी बोला गया है नईम अख्तर ने, और बोला गया है कि कोई भी आप जो है डिसीजन नहीं ले सकते, और ये डिसीजन ले रहे हैं वो भी कंटेंप्ट में जा रहा है। राणा साहब क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि उन्होंने माजरत की है, एशियन हॉकी फेडरेशन का लेटर है कुआलालंपुर से। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ शुक्र अल्लाह का, किसी प्रोग्राम में ये फैसला तो हो गया। पहले हैदर साहब मान नहीं रहे थे कि इनको कोई मेल नहीं आई, अब इन्होंने शुक्र है ये मान लिया कि इनको मेल आई है, बाकी आप सॉरी के चले गए। वो कह रहे हैं कि वो ये उन्होंने माजरत की के इल्लीगल थे वो लोग जिन्होंने। आप देखिए ना, आप माशाल्लाह इनकी बातें सुनते जाए, आप मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं आपको आ रहा है। आपको अभी बात करना चाह रहा हूँ। और ये नईम अख्तर जो गए अदालत में, नईम अख्तर ओलंपियन, आप ये काम ना करें, ये काम ना करें। अच्छा। हमने मीटिंग की उन्होंने कहा बिल्कुल आप मीटिंग कर सकते हैं, ये मैं और रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये भी कहते नहीं कहा उन्होंने। नहीं, मीटिंग कानूनी कर सकते हैं, गैर कानूनी मीटिंग कौन नहीं, मीटिंग कर सकते हैं लेकिन फैसला नहीं सुना सकते। फैसला सुना सकते हैं उस मीटिंग के बाद आप? जी सर, मेरी बात सुने ना, उन्होंने कहा जी और किसी जगह लगी है ये, मुझे स्मार्ट तो उसकी बता रहे, अभी तो वो स्मार्ट ही के लिए भी काबल हुई, स्मार्ट भी उसकी होनी चाहिए। ठीक, जब स्मार्ट होगी तो उसकी स्मार्ट होगी। अब दूसरी बात ये है, 30 में अगर ये इतने सही है, अगर ये इतने अच्छे हैं, ठीक है, ये बड़ा इनको दर्द भी है, तो ये खिलाड़ियों के पैसे हुकूमत ने हमें क्यों दे दिए, इनको क्यों नहीं दिए? आप जाके ले, ये लोग तो कहते हैं कि आपके करीबी ताल्लुकात है हुकूमती अरकान से, वफाकी वजीर अयाज सादिक से आपके करीबी ताल्लुकात है। चलो शुक्र, आप यही मानने के तल्लुकात है, यही मेरे लिए खुशी की बात है। चलो चले राणा साहब, मतलब अब ये के पैसे आप लोगों के पास है सारे, तो ये देंगे इंशाल्लाह, तो आपको आखिरी खुशखबरी मिल जाएगी कि तो उन्हीं पैसों में से $200 लेकर पहुंच गए थे बुक्की साहब उधर वकार गोलकीपर के पास। वो तो अच्छी बात है इकबाल भाई, जो अच्छी बात हो पहले अच्छी होने देना। अच्छा चले, अच्छी बात है, मान लिया, पहले क्यों नहीं दिए उस गरीब बच्चे को? वो उस वक्त मैं साथ नहीं था, जो साथ थे आप। मतलब अब आप सईद अमीन की जगह अब आप एडवाइजर बन गए उनके? नहीं, मैं सेक्टी हूँ, मैं एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सेक्टी हूँ और अल्लाह के फजल से मैं अपने हेडक्वार्टर में बैठा हुआ हूँ। अगर आप चाहें तो मैं फोटो खींच के भेज दूँ। नहीं नहीं, हमें आप पर एतबार है, लेकिन आप जब कराची तशरीफ लाएं तो आइएगा, सामने बात करेंगे, ताकि आपको भी बिठाएंगे और दूसरी पार्टी को भी बिठाएंगे। हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राणा मुजाहिद हमारे साथ मौजूद थे। हैदर, चलते चलते एक जुमले में वसीम फिरोज आप पे शुरू करें, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? ये समझ में नहीं आ रहा कि अब ये तो बात प्राइम मिनिस्टर तक जाना चाहिए, सदर तक जाना चाहिए कि ये हॉकी को जो इतना कौमी खेल है ये कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। ठीक है ना, कौन शैलजा को हमने सदर बनाया यहाँ पे पहले इजलास के 29 तारीख को, दूसरा 31 तारीख को हुआ अपना, 21 तारीख को हुआ इस्लामाबाद में। अब कौन सी जगह कौन बैठेगा, कौन किस किसको लेके आएगा,
पैसा है नहीं, पैसा या तो ये ना कि पैसा हो तो चलो पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे, पैसा है नहीं। बात ये कि पैसा भी नहीं है, लड़कों जो है उनके कैंपिंग लग रही, बुरा हाल है हॉकी का, इसको बैठ के दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना ये बर्बाद हो गई हॉकी, डॉक लगा दो इसके ऊपर। हैदर इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल इकबाल भाई, असल में ये समझ रहे हैं 20 साल पुराना दौर, अब सबको अवेयरनेस है और सब जो है आइन पढ़ चुके हैं, पहले तो सिर्फ एक ही बंदा पढ़ता था आइन और सबको चलाता था। ये किसका हल क्या निकलेगा? इसका हल यही है जो लोग कह रहे हैं कि दोनों लड़ते रहेंगे, शैला रजा सदर उधर, तारिक मसूरी बुगती सदर, और बीच में तीसरा आदमी आ जाएगा। इकबाल भाई जो मेरे ख्याल से हॉकी के लिए बेहतर हो वो हो, इसलिए कि शैला रजा ने जो काम किया है पहले कराची के लिए, सिंध के लिए, फिर पीएचएफ के लिए, वो सबके सामने है और वो इतने अरसे से हॉकी से रिलेटेड है।